First to Prime Minister Modi. और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराए जाने पर भी सहमति बनी है. क्लाइमेट एक्शन के लिए लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट इसके हाई लेवल प्रिंसिपल्स को अपनाया गया. इसी समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है. यह ग्लोबल साउथ के देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि आप सभी इससे जुड़ेंगे. भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है. इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने एआई ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है. G20 द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के फ्रेमवर्क को अपनाया गया है जिससे आवश्यक सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी में सहायता मिलेगी और इंक्लूसिविटी बढ़ेगी. वैश्विक DPI रिपोजिटरी बनाने पर भी सहमति बनी है. इसके अंतर्गत भारत अपनी क्षमताएं पूरे ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है. किसी भी प्राकृतिक आपदा से ग्लोबल साउथ के देश सबसे अधिक प्रभावित होते हैं. इसके लिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI शुरू किया था. अब G20 में moving on to